ही पारा से खुला अपना आपका स्वागत है। राधे राधे। सुबह हो चुकी है, 4 बज चुके हैं, थोड़ा काम करना है। मैंने पूजा कर चुकी हूँ मैं, देखो बैठे मंदिर सजा हुआ है, देखो मेरे कान्हा जी बैठे हैं, आ गए हैं, ये माता बैठी हैं, ये गणेश महाराज बैठे हैं, ठीक है। हेलो गाइस, अब मैं घर आ चुकी हूँ, जिस काम के लिए गए थे वो काम भी नहीं हुआ और सब काम उल्टा हो गया, जो सोचा था वो नहीं हो पाया, सब उल्टा हो गया काम। हम मिलते हैं शाम को। तो गाइस ये देखो, आज पता है, मतलब आज नहीं, हमने 2-3 दिन पहले देखा था, तब थोड़ा कम था। ये देखो मम्मी हटो ना थोड़ा सा। गाइस ये देखो, दीमक ने अपना घर बना लिया, मतलब पूरा, मतलब खिड़की थोड़ी सी इस पर दीमक लग रही थी और उसने भाई पूरी खिड़की पर दीमक लग गई। ये देखो भाई साहब, और मुझे तो सच बताऊं डर सा लग रहा है दीमक को देख के, इतनी सारी दीमक को देख के। मम्मी दीमक ने घर कैसे बना लिया ये? इधर देखो मम्मी, बरसात में हो जाता, पर बरसात में इतनी तो पूरा ही कवर कर लिया, पूरी खिड़की कवर कर ली, बताओ इतनी सॉरी दीमक पर। लोगों को घर नहीं मिल रहा रहने के लिए और दीमक ने देखो पूरा घर बना दिया। गाइस देखो यार, मुझे तो दीमक देख देख के डर लग रहा है यार। चलो दीमक को हटाने के बाद आपको वीडियो दिखाते हैं फिर, ठीक है, बाहर का सीन। और जो अभी हम दीमक उखाड़ रहे थे तो हमने दीमक फाइनली उखाड़ दिया पूरी, तो आप देख सकते हैं, ये देखिए हमने पूरी दीमक को जड़ से उखाड़ दिया और इस पर हमने डाल दिया है केमिकल। तो अब केमिकल डल गया है तो अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि गाइस दीमक इतनी बढ़ चुकी थी ना, मैं बता नहीं सकता गाइस, बहुत दीमक बढ़ चुकी थी तो हम क्या ही बताएं। और दीमक को भगाने का क्या सलूशन है कोई बताओ हमें कमेंट करके, है ना। तो अब मिलते हैं हम थोड़ी देर, घर पर आ चुके हैं नाना नानी के। तो मम्मी कुछ कहना चाहोगी? क्या कहूँ कि आज तुमने दीमक को कैसे भगाया? अरे दीमक ने तो बुरा हाल कर दिया। मम्मी बहुत उदास है क्योंकि मम्मी ने दिमाग खराब हो गया, खिड़की खा गई। आज मम्मी ने 3 दीमकों को खून कर दिया, बेचारी दीमक है। उनके पति रो रहे हैं क्योंकि मम्मी ने उनकी पत्नियों को मार दिया, बेचारी दीमक है, मर गई, क्या करें। तो गाइस मम्मी हम क्या लेके आया हूँ मैं? पिज्जा और फलूदा लेके आया, केला लेके आया, नाशपाती लेके आया। तो गाइस ये देखो, खा लो, ये फलूदा है, मत कहना कि ये 2 फलूदा है मेरा और मम्मी का, और ये है पिज्जा। आज शिवानी का जन्मदिन, पिज्जा पार्टी, जन्मदिन मना रहे हैं पिज्जा का। आज मेरी बड़ी बहन का जन्मदिन है तो हम उस, मतलब उसका जन्मदिन हम बना रहे हैं घर पे। अभी वो आई नहीं है, वो आई नहीं इसलिए हम अकेले बना ले रहे हैं उसके बिना। तो हम पिज्जा खाने के बाद और फलूदा खाने के बाद मिलते हैं आप सभी से, ठीक है मम्मी? हाँ, फिर बेकार लगेगा। क्या कह रही हो, पिज्जा ठंडा हो जाएगा इसलिए? हाँ, तो हम खाना खाने के बाद मिले। हाँ, फिर बाद में मिलते हैं।
गाइस ये देखो मम्मी अकेले अकेले फलूदा खा रही हैं। नहीं आप भी खा लो। गाइस देखो आप सभी को नहीं खिला रही मम्मी फलूदा। नहीं नहीं मम्मी सबको फलूदा खिलाओ। ये लो खाओ। लाओ लो। ये लो गाइस खा लो फलूदा। कैसा लगा दो फलूदा खाकर? अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दो इसी बात पर, और बुरा लगा तो सब्सक्राइब कर दो। तो चलो हम फलूदा खा लेते हैं और फिर आपको फलूदा खाने के बाद मिलते हैं। गाइस हमने पिज़्ज़ा भी खा लिया और फलूदा भी खा लिया, तो अब मम्मी आपसे कुछ बोलना चाहती हैं। मम्मी बोलो। अब इस व्लॉग का यही एंड करते हैं। रात बहुत हो चुकी है, सुबह उठना भी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, और सबसे पहले तो नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना।